आज शंकरदा बैठे हैं यहाँ पर लाठी लेके। तो शंकरदा, महाशिवरात्रि है आज, तो भोलेनाथ कहाँ हैं अभी बता सकते हैं? शिव शंकर क्या कर रहे हैं अभी वो? भोलेनाथ की पूजा हो रही है आज बड़ी जगह, शिवलिंगों धामों में, में, शिवलिंगों में, धामों में। शिवलिंगों में, धामों में। तो अभी कहाँ पर होंगे वो? यहाँ पर अभी भी होंगे, कोई हिडम्बा है, कोई नलदमिन ताल है, कोई हिमताल में है, कोई कैलाश। कोई कैलाश में है। तो महाशिवरात्रि पर्व आपको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। और ठंडी हवाओं के बीच में बैठे हैं आप, ये पीछे हाँ से आपकी ठंडी हवा चल रही, गर्मी का मौसम नज़दीक है, हाँ तो गर्मी अच्छी लगती है, ठंडा या बरसात? अरे यार, हमें तो जाड़ों में ही अच्छा लगता है, गर्मी तो उतना हमें सूट नहीं करता है। अच्छा, जाड़ों अच्छा लगता है। जाड़ों अच्छा है, क्यों? वहाँ पहाड़ी लोग ठहरे। तो गर्मी तो यहाँ कम होती है शायद, ये पहाड़ों में हरियाली है हाँ चारों तरफ। आपके साथ तो गर्मी होने का आसार है, शायद बारिश नहीं हुई यार, हाँ, बारिश कम हुई इस साल, बर्फ़ नहीं गिरी, बर्फ पड़ी नहीं, इस बर्फ़ समय तो गिरी बहुत नहीं इस ठंडा बार। मौसम था। हाँ, हर शिवरात्रि को मतलब जरूर बारिश होती थी, इस बार शिवरात्रि को भी नहीं बरसा, जनवरी में नहीं बारिश, इसलिए अब नहीं गर्मी में बरसा। हो सकती है बारिश। गर्मी में भी कम बता रही थी। देख रहे हैं महाशिवरात्रि पर यहाँ पर दुग्धाभिषेक होगा अभी, और सभी भक्तों को दूध भी दिया जाएगा। दूध दिया जाएगा ना सभी को अभी? हाँ, दूध दिया जाएगा। अभी आप क्या बना रहे हैं? ये मसाले बना रहा हूँ। वहाँ महाशिवरात्रि पर्व है जी, तो यहाँ पर शिवरात्रि में भजन कीर्तन होते होंगे? हाँ होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? ये सौंफ। सौंफ जी। बन क्या रहा है? ये दूध रखा है गाय का है, ये गाय का दूध है, इसमें मसाला मिलाया हुआ है, ये भी पीसना है। ऐसे क्या बनेगा इससे? भंगोटा। इसे भंगोटा। अच्छा, भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ का, भोलेनाथ को चढ़ेगा जी। तो देख रहे हैं भोलेनाथ के लिए यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, और सभी भक्तों को बटेगा अभी थोड़ी देर में नर्मदा मंत्र काल में। ओम नमः शिवाय।